यदि कोई भूल हो गई होती तो उसे आतंकियों का व्यवहार करने का राइट ये सीआरपीसी और कानून में नहीं है। आप अपने ईगो के कारण कि मैं थानेदार हूं, मैं पुलिस हूं, मेरी वर्दी ही ताकत है, आपने जनता की भावनाओं को नहीं समझा और आप जुल्म कर दिए, जुल्म की सीमा पार कर दी आपने। इतना बड़ा जुल्म ये सही नहीं है। और अभी तक जनप्रतिनिधि चुप हो और मुख्यमंत्री जी सब बात की खबर रहता है और आपको इतनी बड़ी घटना घट गई इसकी खबर नहीं रहता। छपरा में आपको खबर नहीं रहता, ऊपर से प्रेशर डाल दिए जाते हैं, छपरा के एसपी को बदल दिया जाता है रूडी के कहने पे। आज बारे बार जबरदस्ती आप एसपी से करवाना चाहते हैं। चलिए, मेरा मानना है, मैं चाहता हूं 24 आदमी पर आपने केस किया होगा, धारा 253 या 153 या और भी काम काज में दखल देने का, चुनावी प्रक्रिया, आप वारंट ले आइए, वारंट सर्व करा दीजिए, जिन लोगों का आप वारंट लेंगे वो अपना बेल करा ले, या जिनका नेम्ड एफआईआर है वो अपना बेल करा लेंगे, या नहीं तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप कुर्की जब्ती लीजिए, हम एंट्री सेफ्टी बेल करेंगे या तो सरेंडर करेंगे, या कौन सा कानून है रात के 12 बजे मेरी मां और मेरी बेटियों पर जुल्म करने का। और यही जुल्म पप्पू यादव को यहां लेके आ गया। ये डर नहीं चलेगा, ये आतंक नहीं चलेगा। जिवेद जी, जरूरत पड़ेगी तो इसी गांव में मैं बैठ जाऊंगा। और आपको बहुत ताकत और औकात है ना, तो आके लड़ लीजिएगा पप्पू यादव से। दुनिया में हमको भगवान उगवान का भी डर नहीं होता, इसीलिए याद रखिएगा आप, इस तरह का जुल्म बंद करवाइए। और मैं एसपी साहब, डीआईजी साहब से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर आईजी साहब से, आप तो सबके हैं, डीएसपी साहब आप तो सबके हैं, आप तो न्याय कर दीजिए, आप तो कानूनी प्रक्रिया में आइए। सारे बच्चे डरे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, घर से बेटियां नहीं निकलती, इतना बड़ा डर क्या मन पर बीतेगा उस बच्ची को। यही है लोकतंत्र, क्या इन लोगों को जीने का राइट नहीं है? बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का राइट किसी को नहीं है? मेरा आग्रह है कि सीआरपीसी के तहत हम लोग काम करें। इस गांव में आतंक का माहौल जो है उसको जीने का अधिकार दें। हर बुजुर्गों के भीतर दहशत, और फातमी साहब और आरजेडी के नेताओं से आग्रह करेंगे, सिर्फ वोट मत लीजिए। जब अपनों पर जुल्म होना तो मरने की भी तैयारी करिए, अपनों से बड़ा कोई नहीं होता, ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा जब हमारे घर और परिवार के लोग ही दहशत में हो। ऐसी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए।
और आरजेडी के नेताओं से कहूंगा जो पटना में बैठते हैं, ना तो आप छपड़ा गए और ना ही आप अस्पताल में गोली लगे लोगों को देखने गए और ना ही इतने बड़े जुल्म में आए। आपका हेलीकॉप्टर एक बार इधर भी घूर जाए तो कम से कम आम लोगों के भीतर भय का वातावरण खत्म होगा। और फातमे साहब से आग्रह करेंगे, दरभंगा में आप यदि सोए हुए हैं तो आप इसी गांव में आके सोइएगा तो अपने लोगों को ताकत मिलेगी। यही मेरा आग्रह है आपसे। और एसपी साहब डीजी साहब से आग्रह है, ये गांव जनरल डायर के आतंक और जालियांवाला बाग से ज्यादा आतंक का माहौल है। हमारी माँ बहनों को जीने और बच्चियों को घर से निकलने, जो डर के माहौल में कैद है उसे निकलने दें। और जिवेश मिश्रा पर एफआईआर हो और जो थाना प्रभारी लगातार इस तरह की घटना किए हैं और आज भी जो घर तोड़ के जाया जा रहा है, घर तोड़ करके बिना वारंट के किसी के घर, उसको रोकने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।